भैया आपने मैजिक दिखाया? नहीं दिखाया ना? रुकिए, मैं आपको मैजिक दिखाती हूँ। ये देखिए, ये बॉक्स अंदर से पूरा बंद है। अभी देखिए मेरा मैजिक, मैं एक एक सामान डलती जाऊंगी और ये बॉक्स में सारा सामान गायब हो जाएगा। रुकिए मैं दिखाती हूँ, जैसे कि ये भी और ये भी और हाँ और ये दो भी। हाँ देखा, सारा सामान गायब हो गया और बॉक्स भी बंद था। तो कैसा लगा मेरा मैजिक? अच्छा था ना? चलिए अब मैं चलती हूँ। हाँ बाद में कभी मिलती हूँ। हाँ भैया बाय। ओ मैडम, ओ ओ ओ मैडम, कहाँ भाग रही हो आप? हाँ मेरे दुकान से जो भी सामान आपने इस बॉक्स में डाला था वो तो दे दी जाओ। लेकिन मैंने कहा ना कि वो सारा सामान गायब हो गया और मुझे सामान गायब करना आता है, लेकिन वापस लाना थोड़ी आता है। मैं मैजिक नहीं सीखी हूँ ना। बेवकूफ समझती हो क्या मुझे? हाँ मैं दुनिया को चूना लगाता हूँ और तू मुझे ही चूना लगा रही है। चुपचाप से सामान दे मेरा। देखो मेरा हाथ छोड़ो, मैंने कहा ना वो सामान वापस नहीं आ सकता। देख मैं तू जैसे चोरनियों को अच्छी तरीके से जानता हूँ, अगर तलाशी में सामान मिल गया ना तो देखना तुझे जेल जाने से कोई भी नहीं बचा सकता। दिखा सामान तो नहीं है मेरा। सुन सामान के पैसे दे मुझे। अरे तुमने तलाशी ले ली पर सामान तुम्हें नहीं मिला, और जब सामान नहीं मिला तो मैं पैसे किस बात का दूं? तू ठीक नहीं कर रही है। अब तू देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। रुक, तुझे जो करना है तू करता रहे, फिलहाल तो मैं जा रही हूँ। अरे अब मैं क्या करूं, बाकी के दिन कैसे निकलेंगे? मेरे पास बस वही पैसे थे, वो भी उसने लूट लिए। भैया आप ऐसे उदास क्यों हो रहे हो? आपके साथ जो भी हुआ मैंने सब अपनी आंखों से देखा था। भैया ब्रेड दे दो। पकड़ो। क्या हुआ, ब्रेड दे दिया ना तुझे? अब खड़ा क्या है, निकल यहाँ से। भैया मैंने आपको 500 का नोट दिया है, आप मेरे बाकी के पैसे दे दो। ए, सुबह सुबह पी रखा है क्या? 50 रुपए दिए थे तूने, 40 के ब्रेड हुए, 10 रुपए के बिस्किट हुए, हो गए तुम्हारा हिसाब क्लियर, समझा? तुम जैसे गरीब लोग ना सिर्फ सपने में ही 500 के रुपए देख सकते है, हकीकत में रखने का औकात नहीं है तुम जैसे लोगों की। नहीं भैया मैंने आपको 500 का ही नोट दिया है, आप मेरे पैसे दे दो। चले तू ऐसे नहीं मानेगा ना। रुक अभी मैं पुलिस को कॉल करता हूँ और बोलूंगा कि कैसे मेरे दुकान में आकर चोरी कर रहा था तू, फिर जेल में टाल के तुझे देगी 500 के नोट, समझा? अगर बचना चाहते है तो निकल ले। नहीं नहीं भैया ठीक है। हाँ निकल। डर गया। भगवान कितने बदतमीज आदमी है, इसे तो मैं सबक सिखाऊंगी, वो भी अपने तरीके से। अभी इसे बोलकर कुछ फायदा नहीं होगा। भैया ये दुनिया ना ऐसे बेईमान और मकार लोगों से भरी पड़ी है, कदम कदम पर ऐसे लोग मिलेंगे। वो दुकानदार उनमें से एक था, उसने आपको 500 रुपए का चुना लगा दिया ना। ये देखिए मैं उसे सबक सिखा कर आई और आपके लिए पूरे 1000 रुपए का सामान लेकर आई, ये लीजिए। अरे मैडम जो होना था वो तो हो गया, अब मैं ये सामान नहीं ले सकता। अरे नहीं भैया आप ऐसे क्यों कह रहे हो, ये आप ही के पैसे का सामान है, आप ये रख लो और ये कुछ पैसे भी रख लो। धन्यवाद मैडम।